चलो दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पप्पू नाला में है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल का जो हालत है उसको आप तक पहुंचाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी खबर मिला है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो स्टूडेंट होता है अभी अभी जस्ट छुट्टी हुआ है, उसके बाद अभी जो है जो आफ्टरनून सेशन जो शिफ्ट है वो अभी चलने वाला है। लेकिन ये पता नहीं कर पाया कि अभी ये स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं पता नहीं कर पाया, क्योंकि अभी जो यहाँ का जो हेडमास्टर इंचार्ज है अभी तक खबर के मुताबिक अभी तक नहीं पहुँचा है। लेकिन यहाँ की हकीकत क्या है उस चीज़ को आप तक हम पहुँचाएँगे कि ये स्कूल में बच्चे किस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम स्कूल कंपाउंड की जब बात करते हैं, कंपाउंड जो है बहुत खूबसूरत है, जगह जहाँ पर ये लोकेशन है बहुत सुंदर है। लेकिन उस तरफ अगर जहाँ पर ये लाल स्कॉर्पियो है उसका पीछे अगर आप देखता है यहाँ पर जो है बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे में प्राइवेट लोग भी इसी रोड को जो है इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन वॉल भी नहीं है, बाउंड्री नहीं है। लेकिन हम आगे सबसे पहले हमारा जो कोशिश है कि आपको हम टॉयलेट के बारे में बताएंगे। दरअसल ये टॉयलेट जो है हमको ये दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है पप्पू नाला गर्ल्स टॉयलेट है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो इनॉग्रेशन किया हुआ है ये गर्ल्स टॉयलेट लिखा हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं इनॉग्रेटेड बाय श्री किपा बाबू फॉर्मर MLA टाटिन ईटानगर कम वाइस प्रेसिडेंट स्टेट BJP इन प्रेजेंस ऑफ श्री यंग पो हेड मास्टर GMC पप्पू नाला एंड श्री तार लोराम सीनियर सिटीजन कम SMC मेंबर GMC पप्पू नाला ऑन 16th December 2019 डोनेटेड बाय श्री किपा ओनम चेयरमैन SMC गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पप्पू नाला कम वाइस प्रेसिडेंट BJYMCT यूनिट। अब अभी आगे हम आपको दिखाएंगे पानी के, जब हम बात करते हैं तो पानी तो यहाँ पर बराबर आ रहा है, लेकिन जो ये जो इनोग्रेशन वाला जो पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर ये मेंशन है कि ये जो है गर्ल्स टॉयलेट है। खबर ये मिल रहा है कि यहाँ पर गर्ल्स भी जाते हैं उसके बाद बॉयज़ भी जाते हैं। विडम्बना ये है कि जो लड़की बच्ची है उनके लिए टॉयलेट इनॉग्रेशन होता है, लेकिन टॉयलेट की कमी के वजह से यहाँ पर जो लड़के बच्चे हैं वो भी इसी टॉयलेट को इस्तेमाल करता है। अभी हम लोग अगर टॉयलेट का नज़ारा देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि टॉयलेट का यहाँ पर हालत कैसे है, बहुत गंदगी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे हैं लेकिन कुछ कुछ का ये भी कहना है कि ये टॉयलेट को इस्तेमाल करता ही नहीं। रीज़न ये है कि यहाँ पर लड़की के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए, लड़का के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए। अभी जो है मोदी सरकार उसके बाद जो अरुणाचल का जो सरकार ये बात करता है कि लड़की का जो एजुकेशन है वो बहुत खास मायने रखता है और उनका जो सुरक्षा और उनका जो हेल्थ जो है बहुत खास मायने रखता है। लेकिन जब हम टॉयलेट की बात करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जो है हालत क्या है, यहाँ पर लड़कियों को जो लड़की बच्चे होते हैं उसको ये मजबूर होना पड़ रहा है कि उनको जो है लड़का और लड़की साथ में टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक ही टॉयलेट है। तो ऐसे में जायज अब समझा जा सकता है कि ये टॉयलेट में जब लड़की बच्ची जाती है या फिर लड़का जब जाता है तो कितना इसको कठिनाई होता होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा समझने वाला बात है और बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और खबर के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है पीछे में जो है एक टॉयलेट नया बनाया हुआ है लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक किया नहीं है। कारण ये है कि उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर आपने टॉयलेट बनाया भी है तो अगर पानी नहीं है तो उसमें उस टॉयलेट को कैसे इस्तेमाल कर सकेगा, ये अपने आप में सवाल है। और मिड डे मील की जब हम बात करते हैं, यहाँ से अभी हमने खबर लिया है ये जो है स्कूल जो है कभी दो दिन मिड डे मील खिलाता है उसके बाद जो है एक दिन गैप होता है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें अगर एक दिन भी अगर मिड डे मील अगर छूट जाता है तो वो मिड डे मील को जो है स्कूल अथॉरिटी जो है नेक्स्ट टाइम कैसे मैनेज करता होगा, ये सवाल है। क्योंकि बच्चे ये सोच के जाते हैं कि उनको जो है हर दिन जो है संडे सैटरडे के दिन या फिर छुट्टी के दिन छोड़ करके जब भी स्कूल जाता है उनको ये सोच के जाता है कि हमको आज स्कूल में मिड डे मील मिलने वाला है। तो कोई कोई बच्चे तो सुबह जो शिफ्ट होता है उसमें तो कोई लोग शायद घर से खाना भी नहीं खा के आता होगा क्योंकि उनको पता है कि स्कूल में मिड डे मील मिलने वाला है। खबर के मुताबिक आज के दिन मिड डे मील यहाँ पर खिलाया नहीं गया है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आज का जो मिड डे मील का जो चावल आज बचता है इतने बड़े संख्या में जो बच्चों को जो आज खिलाया जाना था, अगर वो अगर नहीं बना है तो वो चावल जो है आज के दिन नहीं खिलाया वाला चावल जो है वो चावल को कैसे मेकअप करेंगे, या फिर क्या उसको इंचार्ज जो उसको लेके जाएंगे या फिर स्कूल के अथॉरिटी या फिर टीचर जो है उसको जो है बांट के खाएंगे, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। क्योंकि डायरेक्शन ये दिया जाता है कि आपको हर दिन जो है जो जो सरकार के नियम के मुताबिक जब जब मिड डे मील को खिलाना है उस समय आपको खिलाना है, लेकिन आज ये पता चल रहा है कि मिड डे मील नहीं खिलाया गया है। ये जो आप लोग टॉयलेट यूज़ करता है यहाँ पर इनॉग्रेशन में तो लिखा हुआ है ये गर्ल्स टॉयलेट है ना, तो आप लोग ये टॉयलेट को कौन लोग यूज़ करता है? बॉयज़ भी यूज़ करता है, गर्ल्स भी यूज़ करता है। तो जब लड़की बेटी लोग जो अंदर में टॉयलेट कर रहा होता है तो आप लोग को भी जाना होता है, तो आप लोग कैसे मतलब यूज़ करता है इसको?
इधर वायर पे रुक के रखता है, वायर पे रुक के रखता है। तो इसके लिए टीचर को आप लोग कभी नहीं बोला है लड़की लोग के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए, लड़का के लिए अलग होना है? सर जो बना रहा था बोला, बना रहा था बोला वो जो पीछे बन रहा है वो होगा, लेकिन उसमें पानी तो नहीं है, आपने देखा उसको? चलो सर, बेटी आप बताओ, आप ये टॉयलेट को आप लोग कैसे यूज़ करते हैं? लड़का भी साथ में लड़की भी साथ में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है? प्रॉब्लम होने से भी क्या करेगा, बना रहे टॉयलेट कहाँ में बना रहा है उस तरह। वो तो बना के रखा हुआ है लेकिन पानी नहीं है उस सर, उसको देखेगा होगा प्रिंसिपल देखे। लेकिन अभी तो आप लोग ये यूज कर रहा है ना, लेकिन आपका पत्र में लिखा हुआ है ना ये गर्ल्स टॉयलेट है, तो यहाँ में गर्ल्स टॉयलेट है तो गर्ल्स लोग ही जाना चाहिए आपका हिसाब से, है ना? बॉयज भी जाता है, बॉयज भी जाना पड़ता है, बॉयज भी जाना पड़ता है, मजबूर है, मजबूर है, जाना पड़ता है। ये हकीकत यही है कि पत्र में ये लिखा हुआ है कि ये जो है गर्ल्स टॉयलेट है, लेकिन मजबूर ये होना पड़ रहा है कि लड़की बच्चे और लड़का बच्चे दोनों को यहाँ पर जो है टॉयलेट को साथ में इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन टॉयलेट की जब बात करते हैं बहुत गंदगी है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। बेंगिया रापे, एसएमसी चेयरमैन स्कूल का। हाँ, स्कूल का। कि स्कूल में अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर जो है डिमार्केशन ऐसे नहीं है, इसका क्या कारण रहा होगा? देखिए, इसका तो ये है, सब जानता है हमारा गवर्नमेंट साथ नहीं देता है, और स्कीम प्रपोजल डालने से भी साथ नहीं देता है, फाइल कहाँ से कहाँ चला जाता है, पैसा ही नहीं देता है गवर्नमेंट। तो इसमें तो जहाँ तक सब कुछ गवर्नमेंट का ऊपर में डिपेंड करता है, गवर्नमेंट अच्छा से स्कूल को चलाएगा या स्कूल में आप पैसा फंड देगा तभी तो स्कूल डेवलप होगा, और बिजती नहीं करता है स्कूल में। कभी कभी कभार, एक बार लास्ट टाइम डीसी आया था, कर देगा बोला है, कुछ किया नहीं है, सब ऐसे ही चलता है। हाँ, कर देगा बोलता है, करता नहीं है। अभी आप स्कूल का हालत देखिए, पूरा चर्च से पानी टपकता है, पूरा क्लासरूम में गंदा है, स्कूल ना कुछ मेंटेनेंस, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, सब खुला एरिया है, हर कोई आके ऑक्यूपाइड करता है, स्कूल लेन को ले जाता है। खबर ये है स्कूल लेन को बहुत सारा ऑक्यूपाइड कर लिया बोला, क्या इसको कभी आप लोगों ने डीसी को रिपोर्ट किया इसको लेकर के? नहीं, लास्ट टाइम जब डीसी आया था हम लोग डीसी को भी बताया था, तो उससे पहले का आपका प्रिंस दवा जब डीसी में 2017 को एविक्शन का ऑर्डर भी निकाला था, तो कुछ पॉलिटिक्स का वजह से वो हुआ नहीं है, एविक्शन हुआ नहीं। तो अभी लास्ट टाइम जब डीसी आया था, डीसी को भी हम लोग बैठाया, तो उस समय का कंप्लेन लेटर भी है शायद हम लोग का पास में भी है, और इंटर कॉलोनी का पास में भी है जो कंप्लेन लेटर जो एविक्शन का था ना, और जितना जो केस है जो जितना इंक्रोच पार्टी का सबका केस ऑलरेडी डीसी का पास में है। अभी अभी जो अभी प्रेजेंट डीसी का पास भी, अभी प्रेजेंट डीसी का पास में भी है, उसको भी कवर नॉलेज है। हाँ, नॉलेज है, कवर है सर। चलिए सर, ये एक है, ये एक बाथरूम को हमने देखा है, क्योंकि जहाँ तक मिडिल स्कूल या फिर गवर्नमेंट का जो भी स्कूल हो या उसमें लड़की और लड़का का टॉयलेट अलग अलग बनाया जाता है, लेकिन आपका यहाँ में एक टॉयलेट है जिसको लड़की लड़का दोनों ही मतलब एक साथ यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? सर देखिए, थोड़ा पहले मैंने कहा ये इसका कारण वही है, अगर गवर्नमेंट पैसा देगा तो हम लोग बाथरूम भी अच्छा से बनाएगा। तो लास्ट टाइम आपका मिनिस्टर भी आया था शायद, तबा तदीर साहब जी, ये शिक्षित भवन ओपनिंग में, तो हम लोग उसको बात किया, सर ऐसा ऐसा है, मेमोरेंडम भी दिया, तो सर फाइल ले गया, बाद में खबर कुछ नहीं बताया, हम लोग भी एक दो बार घर में जाने के लिए कोशिश किया, मिला नहीं है सर को ऐसा करके। तो वो लोग ओबियसली वो लोग फंड देगा तो हम लोग अच्छा से इम्प्लीमेंट करेगा, या तो हम लोग तो ये भी बोलता है जो कोई भी मिनिस्टर एमएलए हो, आप लोग स्कूल को डेवलप कर दीजिए, काम भी आप लोग खुद कीजिए ना, हम लोग सिर्फ गाइडेंस करेगा, स्कूल को आप सिर्फ डेवलप करा दीजिए। बाथरूम का तो जहाँ तक बाथरूम या तुतली ये बच्चा लोग कभी कभी बाथरूम दूसरा का घर में जाकर यूज़ करता है, ये तो इतना गंदा है, हम लोग भी खुद जाने के लिए कभी कभी सफा कराने से भी फिर और गंदा हो जाता है। तो यहाँ में भी एक बाथरूम है तो मेंटेनेंस जैसे तैसे कर रहा है, वो भी डिपार्टमेंट वाला हैंड ओवर नहीं कर रहा है, तो फ़ोन करने से भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आएगा बोलते कर रहा नहीं है, ऐसे करके चल रहे हैं बस, स्कूल का यही हालत है। तो आपने कभी स्कूल लेकर के आपने तो हायर अथॉरिटी में कंप्लेन तो लिखा होगा कभी ना कभी? सर कंप्लेन तो लास्ट अभी मैंने बताया एमएलए तबा तदीर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर को भी हमने बात किया था यहाँ में जब आते हुए, तो पुतुम सर को भी बताया, तो सीधा सा बात है पुतुम सर जाने से भी कभी कभी बाहर में हम लोग को मिल लेता है, अच्छा से बात नहीं करता है, अपना चैम्बर में ही नहीं बुलाता है, बाहर में आके जो क्या जहाँ पियून लोग बैठे वहाँ से बैठ के देखता है, कुछ मार देते हैं, इसके बाद वहाँ से कहानी खत्म हो जाता है, आप लोग खुद जानता है क्या है ये। गर्भवती को तो आपने रखा है? रखा है सब, हमारा हेड मास्टर भी साथ में गया है, हम लोग एक बार मिला है। चलिए, इसमें कोई रिस्पांस भी नहीं है ऐसा है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, अभी आप लोगों को हमने पप्पू नौला जो मिडिल स्कूल के बारे में यहाँ का एसएमसी चेयरमैन को भी हमने बात किया और बच्चों से भी बात किया, लेकिन हेड मास्टर इंचार्ज जो है अभी तक स्कूल में नहीं पहुँचे थे, इस कारण से हम उनसे इंटरव्यू नहीं ले पाए। लेकिन ये स्कूल का जितना जो है कंडीशन को आपने देखा, जो टॉयलेट का जो देखा, उसका बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम लोगों ने बहुत कम दिखाया है, लेकिन यहाँ बहुत ख़राब है। लेकिन एक बात सबसे सोचने वाला बात है, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल का जो है डीडीसी यहाँ पर बैठता है,
डीडीसी यानी दो एजुकेशन सिस्टम को कैपिटल रीजन में जो चलाता है, खासकर जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे के लिए जो यहाँ पर जो है लेखा जोखा तय किया जाता है, यहाँ पर जो है इसी से बच्चों का यानी कैपिटल रीजन में जितना सरकारी स्कूल है उसका जो है लेखा जोखा को यहाँ पर बैठकर तय किया जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस न्यूज़ के ऊपर डीडीसी क्या एक्शन लेने वाला है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं डीडीसी और ये स्कूल का जो है फासला यहाँ तक कि 30 मीटर का ही फासला होगा या फिर एक चिन्ह या फिर 100 मीटर का फासला होगा। तो ऐसे में स्कूल का हालत ये है और डीडीसी जो है कैपिटल रीजन का डीडीसी यहाँ पर बैठता है। तो जब कभी भी डीडीसी जो है यहाँ से गुजरते हुए अगर अपना ऑफिस जाता है तो कम से कम ये स्कूल का नज़ारा उनको जो देखने को मिलता होगा। तो ऐसे में डीडीसी यहाँ पर स्कूल के सामने बैठते हुए भी इस चीज़ को संज्ञान क्यों नहीं लेता है कि उनके बच्चे जो है बाथरूम टॉयलेट को इस्तेमाल करने में इतना दिक्कत हो रहा है, जिसमें लड़की और लड़का को एक ही बाथरूम एक ही टॉयलेट में जो है उसको जो है जब पेशाब करना हो कुछ भी टॉयलेट करना हो उसी को इस्तेमाल करना पड़ता है, तब डीडीसी साहब जो है या फिर जो भी मैडम होगा या फिर साहब होगा तो डीडीसी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जहाँ से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो पापुनोला मिडिल स्कूल है इसके ठीक सामने में जो है कैपिटल रीजन का जो है डीडीसी का ऑफिस है। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल सीधा खड़ा होता है कि इतना बड़ा बड़ा गाड़ी ले करके यहाँ पर आता है और बच्चों का जो भविष्य को तय किया जाता है, लेकिन बच्चों का हालत ये है कि बच्चे इस मजबूरन यहाँ पर जो है टॉयलेट की कमी के वजह से पानी की कमी के वजह से उसको यहाँ पर एजुकेशन लेना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी जो विदेशी ऑफिस में आता है अपना अपना बड़े बड़े कार में आता है, उसके बाद बच्चों का भविष्य को यहाँ से तय किया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि डीसी जो कैपिटल जो डीसी है साथ ही साथ जो कैपिटल का जो डीडीसी है उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर है इस चीज़ को संज्ञान लेते हुए पापुनोला जो मिडिल स्कूल के बच्चे के लिए खासकर जो टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर करना चाहिए ताकि लड़की बच्चे और लड़का बच्चे जो है अलग अलग टॉयलेट इस्तेमाल कर सके, ऐसी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके और सही शिक्षा ले सके। दर्शकों अब बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि, हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुँचाना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।